पॉलीचरण पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम सभी हिंदी विषय में पाठ 11 थोड़ा फिर विरोध समिति पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल पॉलीचरण पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कूड़ा के विरोध समिति। यह एक एकांकी है, इसे एकांकी के पात्र है पार्वती, शंकर, मिसेज गौरी, सावित्री, मिसेज सिंह, बूढ़ा बाबा, सभी एक साथ रहते हैं। एक दिन शंकर और पार्वती, इनकी मैरिज एनिवर्सरी है और ये सभी उनके जाने की तैयारी कर देते हैं। जब जैसे वो घर से बाहर शंकर जी निकलते हैं तो ऊपर से उनके बाहर फेंके हुए कूड़े पे वो स्लिप हो जाते हैं, और जब अंदर आकर अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर से बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर किसी ने टिंडे के छिलके फेंक दिए। फिर वो आकर अपनी मिसेज को बताते हैं। उसके बाद अब उनकी मिसेज कहती है कि ये जो कूड़ा फेंकने वाली नीति है, अब इसे मुझे सुधारना होगा। सभी आपस में एक दूसरे की बुराई करते हुए एक दूसरे से झगड़ लेते हैं, और फिर आपस में ही सभी विचार करते हैं कि अगर हम लोग सभी कूड़ा फेंकने की नीति को बदल ले और कभी भी अपने घर के बाहर कूड़े ना फेंके तो साफ सफाई का भी ध्यान रहेगा और आपस में कभी वैमनस्य या ईर्ष्या नहीं होगी, ना कभी वैमनस्य जैसे हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे। तो सभी के सुनीति और अच्छे विचार के कारण जब इनके विचार परिवर्तन हो जाते हैं तो कूड़ा फेंकने की जो इनकी विरोध समिति का गठन होता है और उसके अनुसार सभी अमल करते हैं और सभी स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और स्वच्छता अभियान जैसे सभी चलाए गए इनके साधनों पर ये जोड़ देते हैं। तो बच्चों, इसमें कुछ एक्सरसाइज है और शब्दार्थ है, आप इसे अपनी बुक और नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।